नमस्कार दोस्तों, स्टडी I-94 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कैपिटल और करेंसी सीरीज का पार्ट 4 लेके आ रहा हूँ। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। पार्ट 4 में मेनली इम्पोर्टेंट MCQs रहेगा, इसमें टोटल 22 प्रश्न रहेगा और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा लास्ट में कि 22 में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, टका, सिलिंग, डॉलर या इंडोनेशियन रुपया? तो ये आपका हो जाएगा, इंडोनेशिया की मुद्रा हो जाएगा इंडोनेशियन रुपया, ऑप्शन डी। तो इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। दूसरा क्वेश्चन है, पोलैंड की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम, वर्सा, एमस्टरडम या बर्लिन? तो पोलैंड की राजधानी हो जाएगा वर्सा। और इसका करेंसी क्या है? करेंसी है जलोटी। आगे देखते हैं, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लीरा को अपनी मुद्रा के रूप में उपयोग करता है? इटली, टर्की, जापान या चाइना? तो लीरा को अपनी करेंसी के रूप में टर्की यूज करता है। कौन यूज करता है? टर्की यूज करता है। और इसका कैपिटल कहाँ हो जाएगा? इसका कैपिटल हो जाएगा अंकारा। आगे देखते हैं, आगे है, म्यांमार की राजधानी कहाँ है? म्यांमार की राजधानी कहाँ है? बीजिंग, टोक्यो, नाइपाइदाओ या प्योंगयांग? तो बताइए, म्यांमार की राजधानी है आपका नाइपाइदाओ। और म्यांमार की करेंसी क्या है? म्यांमार की करेंसी है कैट। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा अर्जेंटीना का है? डॉलर, दिनार, सिलिंग या पीसो? तो बताइए, ये अर्जेंटीना का मुद्रा है पीसो, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और कैपिटल क्या है? कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। आगे देखते हैं, बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट, सोफिया, बुकारेस्ट या सराजेवो? तो बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी हो जाएगा सराजेवो। और बोस्निया और हर्जेगोविना का करेंसी क्या होगा? करेंसी हो जाएगा कन्वर्टिबल मार्क्स, इसको भी याद रखिएगा। आगे है, इटली निम्नलिखित में से किस मुद्रा का उपयोग करता है? पहला है लीरा, यूरो, डॉलर या नियो सेकेल? तो बताइए, इटली की मुद्रा का क्या नाम है? इटली की मुद्रा का नाम है यूरो। यूरो को मुद्रा के रूप में यूज करता है। और इटली की राजधानी कहाँ है? इटली की राजधानी रोम है। आगे देखते हैं, टूनिसिया की राजधानी कहाँ है? टूनिसिया की राजधानी ट्रिपोली, तुनिस, कैरो या रबत? तो टूनिसिया की राजधानी है तुनिस। और इसका करेंसी क्या है? करेंसी हो जाएगा दिनार। आगे देखते हैं, युगांडा की राजधानी कहाँ है? खातुम, कंपाला, नैरोबी या मोगादिशु? तो युगांडा की राजधानी हो जाएगा कंपाला। और इसका करेंसी हो क्या होगा? करेंसी होगा सिलिंग। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश सिलिंग को अपनी मुद्रा के रूप में उपयोग करता है? सोमालिया, केनिया, तंजानिया या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी देश सिलिंग को अपने करेंसी के रूप में यूज करता है। आगे देखते हैं, आगे है, मालदीव की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुई, मले, विक्टोरिया या इस्लामाबाद? मालदीव की राजधानी मले है। और मालदीव में कौन सा करेंसी यूज होता है? मालदीव में रुपया यूज होता है। आगे देखते हैं, आगे है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? यूएस डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, दिनार या रियल? ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनवारा, इसको भी याद रखिए। आगे है, ईरान की राजधानी कहाँ है? बगदाद, दोहा, तेहरान या सना? तो ईरान की राजधानी हो जाएगा तेहरान। और इसका मुद्रा क्या है? मुद्रा है रियल, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा देश रियल को अपनी मुद्रा के रूप में उपयोग करता है? सऊदी अरबिया, ईरान, येमेन या सभी? इनमें से सभी देश रियल को अपनी मुद्रा के रूप में उपयोग करता है, तो हो जाएगा एबोव ऑल। आगे देखते हैं, रूबल किस देश की मुद्रा है? रशिया, बेलारूस, बोध या इनमें से कोई नहीं? तो रूबल दोनों देशों में यूज होता है, तो क्या हो जाएगा? बोध। तो रशिया की राजधानी क्या हो गया? मॉस्को। और बेलारूस का मिंस्क, इसे भी याद रखिएगा। आगे है, मलेशिया की मुद्रा क्या है? रिंगिट, कीप, क्या या इनमें से कोई नहीं? तो मलेशिया की मुद्रा हो जाएगा रिंगिट। और राजधानी क्या है मलेशिया की? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। तो कीप कहाँ का मुद्रा है? कीप है लाओस। और क्याट, क्याट है म्यांमार की मुद्रा, इसे भी याद रखिएगा। आगे है, ब्राजील की राजधानी कहाँ है? न्यूयॉर्क, ओटावा, हवाना या ब्रासिलिया? तो ब्राजील की राजधानी हो जाएगा ब्रासिलिया। और ब्राजील की करेंसी क्या है? ब्राजील की करेंसी है रियल, इसको भी याद रखिएगा। सीरिया की राजधानी कहाँ है? दमस्कस, बैरूत, जेरूसलम या अमान? तो सीरिया की राजधानी हो जाएगी दमस्कस। और सीरिया की मुद्रा क्या है? सीरिया की मुद्रा हो जाएगा सीरियन पाउंड, इसे भी याद रखिए। कतर की राजधानी कहाँ है? ओमान, मनामा, दोहा या सना?
तो कतर की राजधानी हो जाएगा दोहा। और कतर की करेंसी क्या है? कतर की करेंसी है रियल, इसको भी याद रख। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन, कैनवरा, वाशिंगटन डीसी या सेंटियागो। तो न्यूजीलैंड की राजधानी हो जाएगा वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड की करेंसी क्या होगा? न्यूजीलैंड की करेंसी हो जाएगा डॉलर। आगे देखिएगा, आगे है डेनमार्क की मुद्रा क्या है? क्रोन, कोरोना, क्रोना या कुना। दोस्तों ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसको ध्यान से सुनिएगा। डेनमार्क की मुद्रा क्या हो जाएगा? डेनमार्क की मुद्रा हो जाएगा क्रोन, ऑप्शन ए। मैंने ट्रिक्स बताया था आपको, याद होगा। डेनमार्क जो है चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, और पानी में कौन रहता है? क्रेन रहता है। तो क्रेन को क्रोन से कनेक्ट करने के लिए बोले थे। ये कोरोना कहाँ? कोरोना है आपका चेक रिपब्लिक का। और क्रोना किसका करेंसी है? क्रोना करेंसी है स्वीडन का। और कुना किसका करेंसी है? कुना है क्रोशिया का। क्रोशिया का करेंसी कुना है, इसको याद रखिएगा। तो डेनमार्क की मुद्रा क्रोन हो जाएगा। आगे देखते हैं बुल्गारिया की मुद्रा क्या है? लीव, लियो, फोरिंट या जलोटी। तो बुल्गारिया की मुद्रा हो जाएगा पहला ऑप्शन लीव। तो लियो किसका करेंसी है? लियो है रोमानिया का। फॉरेंट किसका करेंसी है? फॉरेंट है हंगरी का। और जलोटी पोलैंड का हो जाएगा। तो ये था 22 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आपको कितना सही हुआ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून।